काले घने बादल जो इस समय छाए हुए हैं, मैं आपको बता दूं ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए चिंता के बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि जो फसल किसानों की बिछी पड़ी हुई है और बीच में आप जो फसल देख रहे हैं ये पकी हुई है, जो पीले रंग की तैयार हो रखी है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये चिंता के बादल जो हैं ये किसानों के लिए हैं। तूफान जो ये हवा चल रही है, ये कहीं ना कहीं जिस तरह से हवा चलती है उसी तरह से किसानों के लिए चिंता बढ़ाती है और ये हवा जो है किसानों का कलेजा चीरता हुआ जाती है। तस्वीरें एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि काले घने बादल इस समय जो हैं वो आसमान में छाए हुए हैं और बादल भी जो है ये देखें आप, बिजली भी यहाँ पर चमकती हुई, बादल यहाँ पर गरजते हुए। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि कई लोग इस चीज़ का लुत्फ उठाने का प्रयास करते हैं, कई लोग इस चीज़ का मज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि बड़ा सुहावना मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है, अंदर बैठकर चाय पकौड़ा खाते हैं तो अलग ही बात है। पर मैं आपको बता दूं, ये हमारे अन्नदाता किसान जो मेहनत करता है, हमारे लिए अन्न कमाता है, अन्नदाता इसे कहा जाता है, जो निवाला हम दिन भर में लेते हैं उसका सारा उपजाऊ जो है वो किसान है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये चिंता के बादल जो हैं वो आसमान पे छाए हुए हैं। फसल एक बार मैं आपको फिर से वो दृश्य दिखा देता हूं कि ये देखें, ये देखें फसल, ये तस्वीरें आपको यही दर्शा रही हैं कि फसल बिल्कुल जो है वो पकी पड़ी है और इससे भी चार दिन पहले जो बारिश हुई थी उससे जो फसल है वो बिल्कुल बिछ चुकी थी। पर अब मैं आपको बता दूं कि ये फसल जो है पकने को तैयार थी और कुछ जो है वो पकी पड़ी है, या पीले रंग की जो देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान इस समय जो है वो काफ़ी परेशान दिख रहा है। किसान आवाज़ देख सकते हैं आप किस तरह से बादल जो है वो आसमान में गरज रहे हैं। और हमारा एक ही मकसद है कि हम यही एक दुआ करेंगे, यहाँ पर आप देखें कि जो सूर्य देवता हमारे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पीले रंग का यहाँ पर जो है वो आपको जो दिख रहा है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो घनी धूप जो है वो छाए, ताकि जो किसान अपनी फसल काटना चाहता है और जिसकी फसल जो है वो पक रही है उसको कहीं ना कहीं जो है वो चिंता ना हो। आसमान में जल्द से जल्द जो है वो धूप छाए, पर फिलहाल जो है ये चिंता के बादल किसानों के लिए इस समय जो है आसमान में जो है वो छाए पड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो है इस समय बारिश फिलहाल जो है वो शुरू हो चुकी है और बीती रात से ही लगातार जो है वो मौसम खराब है, और मौसम खराब के चलते तूफान भी जो है वो चला है, हल्की बारिश भी हुई है। पर एक ही दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द जो है वो धूप निकल जाए, क्योंकि जिस तरह से चार दिन पहले भी, पाँच दिन पहले बारिश हुई थी और उस समय भी हमने देखा था कि काफ़ी जो है किसानों की फसल जो है वो ख़राब हुई थी। और हम एक ही बात कहेंगे कि अब कहीं ना कहीं जो है किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिन मौसम जब बरसात होती है तो किसान जो है वो परेशान हो जाता है। तो मैं एक ही बात कर रहा हूँ हमेशा से, और कृषि विभाग भी इतनी बात कहता है कि आप लोग जो है अपना फसल बीमा जो है वो ज़रूर करवाएं, फसल बीमा करवाएं, ताकि आपको इस तरह से अगर काले बादल अगर भी छा भी जाते हैं तो आपको चिंता जो है आपके चेहरे पर बिल्कुल ना हो, क्योंकि फसल बीमा से आपको जो है वो उसका मुआवजा जो है फसल का मिल सकता है। वरना अब तो सरकार ने ये भी कह दिया साफ तौर के, मुआवजा जो आपको मिलता था अब वो मुआवजा जो है वो नहीं मिलेगा जब तक आप फसल बीमा नहीं करवाएंगे। तो चार दिन पहले भी जब बारिश हुई थी उसके बाद जो है कंपनी के अधिकारी, और हमने खबर भी चलाई थी कि टोल फ्री नंबर्स भी दिए थे, वहाँ पर कॉल करके आप अपनी फसल की जो है जानकारी सारी जो है बता सकते हैं, कितनी फसल आपकी ख़राब हुई है, टीम आएगी निरीक्षण करेगी, उसमें कृषि विभाग के भी अधिकारी होंगे। तो कहीं ना कहीं एक ही बात कहूँगा कि फसल बीमा जो है मैं हमेशा से कहता रहता हूँ और किसानों के लिए हमेशा इस तरह की खबरें जो है वो चलाता रहता हूँ। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जल्द से जल्द जो है आप लोग हमेशा फसल लगाते हैं सभी फसल बीमा जो है आप ज़रूर करवाया करें, ताकि इस तरह से परेशानी का सामना जो है आपको ना करना पड़े। पर फिलहाल ये चिंता के बादल जो इस समय छाए हुए हैं, काले बादल छाए हुए हैं, हल्की बारिश जो हो रही है, कहीं ना कहीं
एक ही ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है वो धूप निकल जाए ताकि किसान जो है अपनी फसल को जो है आने वाले दिनों में संभाल सके। नमस्कार।